डॉक्टर ने मना बोल दिया कि बायोस्पी कराओ। मैंने कहा कुछ नहीं हनुमान जी, अब आपके शरण में है, आपके वीडियो के माध्यम से आज मैं जिंदा हूँ। उसमें हनुमंत लाल जी का बहुत बड़ा श्रेय, ददरुआ सरकार का श्रेय। और जब तक शरीर में प्राण रहेगा मैं सरकार के यहाँ हाजिरी लगाते हुए, ये ऐसा पावन पुनीत धाम है कि मेरे ऐसे पापी पातकी को जब हनुमान जी गले लगा सकते हैं, शरणागति कर सकते हैं। डॉक्टरों ने कहा कि बायोस्पी करेंगे हम, मतलब हर डॉक्टर ने कहा कि बायोस्पी करेंगे। दंदरौआ धाम का दरबार, जहां पर अनेक चमत्कार आप सुनते रहते हैं, ऐसे ही चमत्कार के साक्षी बने हैं ये बलिया उत्तर प्रदेश के भक्त हैं। यहां दंदरौआ धाम में मुलाकात हुई है। राजेश नाम है आपका? रंजीत। रंजीत जी इनका नाम है। क्या कुछ आपने यहां दंदरौआ धाम में आकर? आज मैं विगत एक सालों से मुझे घाव था इस बाएँ गाल में, और मैंने हर जगह चेक कराया। डॉक्टरों ने कहा कि बायोस्पी करेंगे हम, मतलब हर डॉक्टर ने कहा कि बायोस्पी करेंगे। और मतलब इतना दर्द होता था, यहाँ अभी भी घाव है, थोड़ा सा घाव है। मैं पहली बार आपका सबसे पहले ददरौआ सरकार के चरणों में, डॉक्टर सरकार के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और आपके वीडियो के माध्यम से मैंने देखा, और देखते ही मुझे लगा कि हनुमंत लाल जी मेरे, क्योंकि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। आपके वीडियो के माध्यम से आज मैं जिंदा हूँ। उसमें हनुमंत लाल जी का बहुत बड़ा श्रेय, ददरौआ सरकार का श्रेय। अभी कितना समय यहाँ आते हुए हो? ये हमारा दूसरा बार है, और जब तक शरीर में प्राण रहेगा मैं सरकार के यहाँ हाजिरी लगाते हुए। कई सारे देश दुनिया के लोग आपको सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे इस पवित्र भूमि से? मैं जानता हूँ कि हनुमंत लाल जी साक्षात कलयुग में अगर किसी भी राम से मिलना है, कृष्ण से मिलना है, अगर कोई मिला सकता है तो श्री हनुमंत लाल जी मिला सकते हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। अगर राम से भी मिलना है तो भी हनुमान जी मिलाएंगे, कृष्ण से भी मिलना है तो भी हनुमान जी मिलाएंगे। और मैं समझता हूं कि यहाँ आने के बाद ये ऐसा पावन पुनीत धाम है कि मेरे ऐसे पापी पातकी को जब हनुमान जी गले लगा सकते हैं, शरणागति कर सकते हैं, तो आप सभी इस सरकार, कितना भी डॉक्टर ने मना बोल दिया कि बायोस्पी कराओ, मैंने कहा कुछ नहीं हनुमान जी, अब आपके शरण में है। 5 दिनों से न दर्द होता है, न सूजन होती है, हल्का सूजन है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमंत लाल जी मुझे बचा लेंगे, और मैं बच गया हनुमान जी के। रंजीत जी एक चीज और, देश दुनिया के कई लोग आपको देख और सुन पा रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शिता का माहौल रहे कि आप विधि आपने यहाँ की थी, क्या आपने यहाँ आकर कैसे अर्जी लगाई थी जिससे आपको लाभ मिल गया? मैं बलिया से आया, और मैं YouTube पे देखा था, और मैं सुबह 3 बजे अगले मंगलवार को, आज 30 तारीख है, अगले मंगलवार को मैं ग्वालियर से सुबह 3 बजे आया। और मुझे एक, जब मैं आया तो मैं वहाँ मेन गेट से सो के मंदिर तक आया, और मैंने कहा कि 5वें मंगलवार को भी हनुमान जी, मैं सो के ही आऊँगा। और आज 4 दिन हो गए, न दर्द हो रहा है, न सूजन हो रहा है, और घाव धीरे धीरे, डॉक्टर ने कह दिया कि बायोस्पी कराओ, 100% कैंसर है, 100% कैंसर है। और आज दूसरा मंगलवार है, न सूजन है, न दर्द है, न कुछ है, यानी 100% कैंसर भी हनुमान जी ठीक कर। नहीं, कौन उस काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अगर इंसान की सांस चलती होगी, सरकार के पास आ जाए, तो यहाँ से जीवित चला जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है ददरौआ सरकार, यानी मुर्दा भी जीवित चला जाएगा, ददरौआ सरकार के यहाँ से मुर्दा भी चला जाएगा। और उसका प्रमाण मैं खुद हूँ, मुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद प्रमाण हूँ। हनुमान जी ने मेरे साथ क्या किया है, मैं सोच रहा था कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, मैं सोचा कि एक एक महीने बीच लगा के जाऊंगा, अगले मंगलवार को आया था तो फिर अगले महीने का जाऊंगा, मगर हनुमान जी की कृपा देखो, बुलाते गए। और अब थोड़ी सी मात्र घाव रह गई है, मात्र 5 दिनों में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे हनुमान जी मुझे ठीक कर देंगे।
और मैं वहाँ बस एक सवाल और है, बलिया उत्तर प्रदेश से कई सारे भक्त आना चाहते हैं, कैसे आ सकते हैं, सबसे सरल उपाय आने का रास्ता? आप सबसे पहले आप बलिया से बनारस आ जाओ और बनारस से ग्वालियर आ जाओ। बनारस से आपको शाम को 4 बजे ट्रेन मिलती है ग्वालियर के लिए। ग्वालियर आ जाओ, आपको सुबह यहाँ 8 बजे ग्वालियर छोड़ देगी। और किसी भी रिक्शा वाले से, ऑटो रिक्शा, फोर व्हीलर, किसी से आप दंदरहुआ, आज विश्व में अगर मैं दंदरहुआ सरकार के कृपा से बच गया तो पूरे विश्व में मैं दंदरहुआ सरकार के झंडा को फहराने का काम करूंगा। और दंदरहुआ सरकार के जगह जगह पे, घर घर में, जगह जगह पे, मैं अभी 1,00,001 घरों में रामचरितमानस वितरण कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है, मेरा पिछले बार अयोध्या से संकल्प था, आज दंदरहुआ सरकार की इच्छा से मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से, और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय इनका जाता है, खेमरिया साहब का जाता है। न खेमरिया साहब यूट्यूब बनाते, न मैं देखता, और न मुझे पुनः जीवन दान मिलता। हनुमान जी की कृपा से मुझे अगर जीवन दान मिलता है तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज, सतगुरुदेव भगवान, और उसके बाद खेमरिया साहब का मैं हार्दिक आभार हूँ। और जब तक जीऊँगा तब तक आभार रहूँगा। और मैं कहता हूँ कि शरीर में कोई भी कष्ट हो, मानसिक, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी मानसिक हो, कर्म से हो, वाणी से हो, अगर कोई भी महा से महा दिक्कत हो, हनुमान जी के शरणागति में आ जाओगे, यहाँ से न कोई निराश गया है न निराश जाएगा, क्योंकि हनुमान जी कितना भी बड़ा पापी हो उसको गले लगाते हैं। ये हमारे हनुमान जी की सरकार का स्वभाव। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान जी की कृपा से, मैं आप सभी को कहता हूँ कि आप जगह जगह पे थक गए हो, कोई डॉक्टर काम नहीं करता है, कहीं भी कुछ नहीं बनता है, सब कुछ छोड़ के दंदरहुआ सरकार के शरणागति हो जाए, जीवन के प्रत्येक कष्ट को, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी का, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश से आए हैं। भाव आप देख रहे होंगे, कहते हैं कभी इंसान झूठ बोल सकता है, शब्द झूठ हो सकते हैं, लेकिन उसका भाव, भाव कभी भी झूठ नहीं हो सकता है। इनका जो भाव दंदरहुआ सरकार के चरणों में है, जो अनन्य निष्ठा है, वो भाव और वो श्रद्धा जीवंत काल के लिए, चिरकाल के लिए जीवंत रहे और हमेशा ये प्रसन्न रहे, यह प्रार्थना करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।